मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए नकली बरामद किए हैं। आपको बता दें, 2,000 रुपए की ये बंडल है। पुलिस ने बताया है कि ये नकली नोट जो बरामद किए गए हैं, इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। दोनों आरोपी जो है ये पालघर के रहने वाले हैं। इनका नाम राम शर्मा 52 वर्ष है और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम है राजेंद्र राउत 55 वर्ष। आपको बता दें कि 2,000 रुपयों के ये नकली नोटों के बंडल हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि ये नकली नोट हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी इन नोटों को लेकर मार्केट में चलाने की फिराक में थे, मगर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2,000 रुपये के नोटों के ये 400 बंडल पुलिस ने इनके पास से जब्त किए हैं। वहीं कासर वडौली पुलिस ने इस पूरे मामले में 489A, 489B, 489C और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ठाणे पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। 2,000 रुपये के नकली नोटों के 400 बंडल जब्त किए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ रुपए है, यानी कि 8 करोड़ के नकली नोट जो है पुलिस ने जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।